सो गाइस, आज हम बात करेंगे फॉल एनिमेस की जो अक्टूबर के मंथ में रिलीज होना स्टार्ट होंगे। वैसे मैं आपको मेरी लिस्ट बताने वाला हूँ कि मैं क्या क्या देखूंगा। अगर मेरी लिस्ट में से आप भी वही सब एनिमे देखने वाले हैं ऑलरेडी तो बहुत अच्छी बात है। अगर जिन्होंने ये सब एनिमे देखने का सोचा नहीं है तो डेफिनेटली चेकआउट करना जब रिलीज होंगे। फॉल ही एक ऐसा मंथ है जहाँ पर बहुत ज़बरदस्त एनिमे रिलीज करते हैं जापान वाले, तो इस बार क्या लाने वाले हैं आप वीडियो में देख लेना। तो अब गाइस, बिना कोई टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो गाइस, इस लिस्ट में बहुत से एनिमे के सीक्वल्स भी होंगे एज ऑलवेज, तो मैं उनको भी काउंट करूंगा ही, क्योंकि क्या पता वो एनिमे आपने देखा ही ना हो, तो आप इस बहाने उनका सीजन वन भी देख सकते हैं। तो गाइस अब स्टार्ट करते हैं। पहले नंबर पर है ब्लू लॉक। ये एक स्पोर्ट्स एनिमे है जो फुटबॉल पर बेस्ड है। ये एनिमे का इंतजार तो मैं लास्ट ईयर से कर रहा था, क्योंकि मुझे एक ऐसा फुटबॉल एनिमे चाहिए था जो इनाजुमा 11 जैसा हो, और ब्लू लॉक में वो पोटेंशियल है जिससे वो सबको पसंद आएगा, क्योंकि वन ऑफ द बेस्ट एनिमे बनेगा इन फ्यूचर। तो अगर आपको इस एनिमे के बारे में पता नहीं था तो इसे ज़रूर देखना। अब दूसरे नंबर पर है चेनसो मैन। जैसे कि आपको पता होगा ही कि मापा ने अपना मैडनेस फैलाया हुआ है अपने बेहतरीन एनिमेस दिखाकर। सो यह मापा अक्टूबर में दोबारा आ रहा है एक एक्शन गोर एनिमे को लेकर, जो इतना पॉपुलर होने वाला है जिसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हो। इसकी हाइप इतनी थी कि लोग अटैक ऑन टाइटन की हाइप से तक कंपेयर कर रहे थे। अब ये फाइनली रिलीज हो रहा है तो देखते हैं वो हाइप बरकरार रहेगी या नहीं, क्योंकि मैं तो फुल प्रिपेयर्ड हूँ इस एनिमे को देखने के लिए। अब दोस्तों, थर्ड नंबर पर है मॉब साइको सीजन 3। जिन्होंने मॉब साइको अब तक नहीं देखा है तो यार आप क्या कर रहे हो यार, इसको मिस मत करना गलती से भी। ये एक फुल ऑन एक्शन एनिमे है। जो लोग वन पंच मैन के फैंस हैं तो आपको बता दूं, ये सेम राइटर का ही दूसरा एनिमे है, सो इसे ज़रूर देखना। इसके एक्शन सीन्स की आप यूट्यूब पर क्लिप्स देख सकते हैं और अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसका एक्शन कितना फाड़ू है। इसके एनिमेशन पर मत जाना और इसका एनिमेशन देखकर ड्रॉप मत कर देना यार। आप इस एनिमे को देखते जाओ, आपको इतना कुछ फर्क नहीं पड़ेगा आगे, तो यार ये एनिमे को जरूर देखना। अब दोस्तों, फोर्थ नंबर पर है गोल्डन कामोए का सीजन 4। इस एनिमे का रिव्यू मैंने कभी किया नहीं क्योंकि मुझे इतना ज़रूरी लगा नहीं, लेकिन दोस्तों मैं इतना ज़रूर बोलूँगा, अगर मुझ पर आप ट्रस्ट करते हो तो इसे देखो, आपको ये ज़रूर पसंद आएगा। सो इसे भी आप अपनी लिस्ट में डाल दो और सीजन 1 से देखना स्टार्ट करना। आराम से देखना, कोई जल्दी नहीं है। तो सीजन 3 के बाद आप सीजन 4 को अक्टूबर में आप फॉलो कर सकते हो। इसकी स्टोरी मुझे बहुत अच्छी लगी तो आपको भी पसंद आएगा ही। अब गाइस, पांचवें नंबर पर है उजाकी चान वा आसो बेताई। देखो, इसका सीजन 1 तो इतना भी कुछ ज्यादा एंजॉय भी नहीं किया था, पर सीजन 2 आ रहा है, मतलब और अच्छा हो सकता है ये एनिमे। तो आई होप सो सीजन 2 अच्छा हो। अगर आपको इस एनिमे को ट्राई देना है तो आप दे सकते हैं। ये एक स्लाइस ऑफ लाइफ एनिमे है जो इतना भी अच्छा नहीं है, पर मैं मना भी नहीं कर रहा इसे देखने को, तो आप डिसाइड कर लेना आपको देखना है या नहीं। अब छठे नंबर पर है स्पाई फैमिली का पार्ट 2। स्पाई फैमिली तो यार सबने देखा ही होगा, इतना ओवरहाइप जो हो गया था। इसको भी आप देख लेना, जिन्होंने सीजन 1 अब तक देखा नहीं है तो बता दूं, ये एक फुल टाइम पास एक्शन स्पाई एनिमे है जो काफ़ी पॉपुलर हुआ था विंटर में, तो आप इसे भी देख सकते हैं अगर आपको फैमिली स्पाई कॉमेडी पसंद है। अब दोस्तों, सातवें नंबर पर है माय हीरो एकेडमिया का सीजन 6। सच बोलू तो सीजन 5 में इतना मज़ा नहीं आया था। आई होप सो सीजन 6 अच्छा हो और मेरी सारी उम्मीदों को पार करके काफ़ी अच्छा निकले, क्योंकि मैं एनिमे ही फॉलो करता हूँ इसका और कोई मांगा नहीं पड़ता मैं। तो लेट सी सीजन 6 कैसा निकलता है। माय हीरो एकेडमिया ऑलरेडी बहुत ही पॉपुलर फ्रेंचाइज है, जैसे आप देख ही सकते हैं इसका सीजन 6 है ये, और ये तो पक्का है ये रुकने नहीं वाला। तो अब देखते हैं माय हीरो एकेडमी की जर्नी कब एंड होती है। अब गाइज, आप सोच रहे होंगे मैंने ब्लीच का नाम अब तक क्यों नहीं लिया। देखो, वही एक एनिमे है जो फॉल एनिमे की हाईलाइट है और बिगेस्ट कमबैक है कि वो इतने साल बाद लौट आया, वो भी अपने फाइनल सीजन के साथ, जिसकी एनिमेशन गजब की होने वाली है। ट्रेलर आप सब ने देख ही लिया होगा। देखो दोस्तों, आप क्या विटनेस करोगे आपको खुद यकीन नहीं होगा, क्योंकि फाइनल सीजन इतना मस्त है। तो रेडी रहो देखने के लिए। ब्लीच जिसने देखा नहीं है तो वो भी देख लो। अब ये सब एनिमे मैं देखने वाला हूँ, स्टार्ट में ही कहा था, अगर मैंने कुछ मिस किया है एनिमे में तो प्लीज़ बता दो, मैं भी वो एनिमे देख लूँगा यार। तो अब दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा, अरिगातो गोज़ाइमासु।